Assalamualaikum ji, my name is Hasan Chaudhary. You tuned into Something Hot and this is the weekend review. Assalamualaikum Amna. Waalaikum Assalam Hasan, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. आज आपने वालेकुम सलाम कहा है मुझे. जी आपने लगता है कमेंट पढ़ा, मैंने भी पढ़ा. जी 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 जी. अच्छा है, अच्छा है. लोग नोटिस कर रहे हैं इन चीज़ों को. बिल्कुल, वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑलवेज. और वाकई सलाम का वालेकुम सलाम कहना चाहिए. तो देयरफॉर चले ज़बरदस्त. आमना, आप हमें कमेंट्स आए पिछली बार काफ़ी के खास ने रिव्यू किया. जी तो आपने इस हफ्ते देखा एपिसोड? जी मैंने एब्सोल्युटली देखा और इस हफ्ते का एपिसोड बड़ा स्ट्रॉन्ग था. परफॉर्मेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अली रहमान की भी और सनम बलोच की भी. बट उससे ज़्यादा जो मैसेज वो दे रहे हैं, again it's about a woman caught in a marriage that is turning into an unhappy marriage. Aur wo kya drive kar raha hai unhappiness ko, kehne ko uska husband bada good looking, badi achhi family ka, bada padha likha insaan hai. This is what hamare parents ke wo check boxes hote hain na, tick mark karte jao. Ji future hai ladke ka, ji bilkul. Shakal surat ka acha hai, ji bilkul. Kamata hai, ji bilkul. Khandan acha hai, ji bilkul. Wo sab cheeze wo checklist mark ho rahi hai. Lekin he's an absolutely awful person. Achha. He's an awful person. I mean, agar mujhe ijazat ho to I would like to call him an asshole, but aap beef kar sakte hain iske upar ke he just makes his wife feel terrible around him. Ki wo beshak wo mazak mein uska constantly mazak udata hai, aur like every bully in the world khud apne pe wo mazak nahi le sakta. तो जब वो रिटर्न करती है और वो उसी तरह मजाक उड़ाती कि हाँ मैंने इसको बहुत लटकाया था हाँ करने से पहले, तो वो तो ही फ्लेम्स अप कि ये मुझे इसने कहा कैसे है, मेरी बेइज्जती की है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और उसके बाद वो घर चली जाती है लड़के, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग. और वो मैसेज गलत है कि जी आपकी लड़ाई हुई है तो सॉर्ट इट आउट, ऐसा नहीं है, यू शुडंट हैव गॉन होम. वो घर चली जाती है, पीछे से उसकी कज़न आई होती है, उसको वो शॉपिंग के लिए लेके जाता है जहाँ पे सनम की फ्रेंड मिलती है, और उसको वो कहता है ये तो मेरी दूसरी बीवी है, मैं शादी करने लगा हूँ, यू नो, जस्ट सो दैट टू गेट बैक एट हिज वाइफ. एंड इट्स जस्ट एन ओवरऑल नास्टी कैरेक्टर. इस ड्रामे का कोर मैसेज है क्या? कोर मैसेज और ये कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस ड्रामे की, मियां बीवी का ये झगड़ा या दैट? मेरे ख्याल है कि टू शो के हस्बैंड इस तरह के भी हो सकते हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल है कोर इसका इशू ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में, खासतौर पर मैरिज में, बेशक हर चीज़ सही हो, अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. एंड आई थिंक दैट रिस्पेक्ट एंड दैट लैक ऑफ रिस्पेक्ट विल लीड टू इमोशनल अब्यूज, जो कि वो फील कर रही है लड़की, कि हर चीज़ पे शी डजंट नो कि वो रिएक्ट कैसे करेगा, वो बोलेगा क्या. और हॉट एंड कोल्ड है, ऐसा है कि एक सेकेंड वो इस तरह है और अगले सेकेंड वो बहुत ज़्यादा वार्म है और उस पर निशावर हो रहा है. मगर वो कहता ना कि मैं तुम पे पैसे भी तो इतने लगाता हूँ, तो वो कहती है कि जो मर्द अपनी बीवी पे पैसे लगाने का दे, मतलब जताए, तो लाना तो मुझे घिन आ रही है तुमसे, विच इज़ ट्रू. सो दीज आर ऑल वेरी रियल इश्यूज़ विच आर सो ओवर शैडोड बाई बिगर इश्यूज़ इन आर सोसाइटी, कि इनकी कोई बात नहीं करता कि यार ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं किसी शादी में. बट आई थिंक इट्स ग्रेट इन एसेंस इट्स अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप काइंड ऑफ अ स्टोरी. एब्सोल्युटली इट्स अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. एंड Which is a refreshing change. You've said that before also, कि वो सास बहू से निकल के अब आप हस्बैंड वाइफ में आए, तो ये एक प्रोग्रेशन है हमारे ड्रामों के लिए, जो कि एक वेलकमिंग प्रोग्रेशन है. बिल्कुल बिल्कुल. सो आई थिंक इट्स गुड. एंड अगेन आई वुड लाइक टू से दैट अली रहमान खान परफॉर्मेंस इज रियली गुड, बिकॉज आपको वाकई लगता है कि यार ये बंदा शायद ऐसे ही है रियल लाइफ में. अच्छा, बेचारा अली ऐसा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये इतना वो ओमिनस सा और इतना क्रीपी सी उसकी होती है कि यू डोंट नो हाउ इज गोइंग, चिलिंग सा उसका है एटीट्यूड. So it's coming together well. ठीक है. Moving on to Inkaar. जी. आई थिंक इनकार की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबकी परफॉर्मेंसेज बड़ी अच्छी हैं. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज मेक इट. अदर देन टू कैरेक्टर्स. हु? देयर आर टू कैरेक्टर्स हुज परफॉर्मेंसेज आर वेरी वीक. वन इज रेहान चौधरीज स्टेप मदर. आई डोंट नो द लेडीज जो रांझा रांझा वाली. जी बिल्कुल. रिजवाना चाची. जी बिल्कुल. वो उनका जो रोल है ना, फॉर एग्जाम्पल खानी में समन अंसारी इस टाइप का रोल कर चुकी हैं और बहुत अच्छा उन्होंने किया था. दिस वन डजंट रियली लुक लाइक दैट काइंड ऑफ अ वुमन. यू थिंक शी डजंट लुक इविल? शी डजंट लुक कनाइविंग, शी डजंट लुक द पार्ट. हर एलोक्यूशन इज वेरी वीक. आई मीन शी डजंट फिट द रोल. शी इज़ वेरी गुड इन रांझा रांझा. इट्स नॉट दैट शी इज़ अ बैड एक्टर, बिकॉज रांझा रांझा कर्दी में वो बिल्कुल फिट हो रही हैं अपने रोल में. यहाँ पर थोड़ा सा नहीं,
miscast hain aap miscast hain the second person is unfortunately Noorul Hasan sahab who I just think is overacting mujhe Noorul Hasan sahab ki wo scene samajh nahi aa rahi wo jo 1947 की फिल्में नहीं होती जो अंग्रेजी बाबू होते हैं जिसमें उस तरह के एक्सेंट के साथ वो बात कर रहे हैं तो वो मुझे काफी अनोइंग लगा वो कुछ आउट ऑफ प्लेस कैरेक्टर है मगर इन दोनों के अलावा आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द प्लस पॉइंट्स बिकॉज द प्ले इज फैंटास्टिक और कई थीम्स के साथ ये प्ले खेल रहा है इस वक्त एक तो ये है कि आई थिंक हमारी सोसाइटी में फ्यूडल चिल्ड्रन एंड एम्पावर्ड चिल्ड्रन एंटाइटल्ड चिल्ड्रन इतने ज़्यादा हैं और इतनी क्राइम स्टोरीज उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं इनकार इज एक्चुअली throwing light on वो बच्चे बनते कैसे हैं broken homes हैं बाप ने दो शादी की हुई है एक माँ गाँव में है एक शहर में है शहर वाली माँ बच्चे को पाल रही है एंड शी स्पॉइलिंग हिम बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गेन दैट एक्सेप्टेबिलिटी एंड दैट चाइल्ड इज़ कन्फ्यूज आई मीन वो ड्रग्स भी कर रहा है वो हर किस्म की बुरा काम कर रहा है जनाकारी भी कर रहा है तो वो क्यों बनता है बिकॉज ऑफ दैट बैकग्राउंड एंड दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि मैं कुछ भी करूँगा मेरा बाप मुझे निकाल लेगा इस सिचुएशन में से एक तो ये है दूसरा है कि इट वी थॉट इट स्टार्टेड आउट विद द इशू ऑफ कंसेंट वो है अभी भी बैकग्राउंड में बट आई थिंक इट्स ऑल्सो पावर प्ले इट्स मेजर मेल डोमिनेटेड माचो पावर प्ले बिटवीन शायान्स फादर and Rehan Chaudhary's father but I don't think that's the case because in pichle episode mein bhi humne dekha ki wo to almost collaborate kar rahe hain ek dusre ke sath no it will be eventually you think so I think it will be absolutely I really do think so beech mein bichara Hafiz Ilyas I think power haan power play ki jo dynamic hai it's more so between Hafiz and these rich people now which will kai dimension se power play hai there's also power play between Shayan and Rehan उनके बीच में भी है सो ऑल दिस स्ट्रगल दिस पावर प्ले बिटवीन व्हाट्स हिज नेम कैरेक्टर का नाम क्या है जो रेहान के वालिद हैं चौधरी साहब ने हाँ उनके और उनकी पहली बीवी और दूसरी बीवी के बीच में पावर प्ले है कि इसने तुम्हें पाला है तुम तो मेरे बेटे ही नहीं रहे शी थ्रोज हिम आउट ऑफ द हाउस जो पहली बीवी होती है कहती है तुम तो मेरी औलाद ही नहीं हो तुम ये क्या कर रहे हो So you leave. अच्छा वो जो पहली भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत जबरदस्त वो सीन किया जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि समी की परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी भी थी बट ही हैड अ लॉट ऑफ स्कोप एंड मार्जिन बिकॉज़ ही हैड अ लॉट ऑफ डायलॉग्स एंड एक्शन बट इमरान ऑन द अदर हैंड हैड वाज क्वाइट फॉर द यू नो फॉर द लार्ज पार्ट ऑफ द एपिसोड एंड येट ही वाज एबल टू डिलीवर थ्रू हिज मैनरिज्म्स दैट यू नो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम Internally. So I think overall, and again, Yumna, while she's lying on the bed, and you know, she didn't have a lot of interaction or dialogues, but जो भी छोटा मोटा था interaction, was very powerful. Again, Yumna's mother when she comes to the. I'm actually really liking Yumna as a artist, as a performer, because वो बहुत काम कर रही हैं आजकल और बहुत diverse उनके roles हैं, and she's very uninhibited in her performance. I like that. I mean, वो लेटी हुई हैं कोई makeup नहीं है उनके मुंह पे और उनके expressions बहुत real हैं. So it's really resonating very well. और I think it's यहाँ पे ये acknowledge करना भी ज़रूरी है कि पहले episode के बाद या दूसरे episode के बाद हमें Yumna की performance इतनी कोई खास नहीं लग रही थी या समी का लग रहा था कि वो fit नहीं हो but that has changed. So in this case we are actually very happy that we were proven wrong. Wrong exactly. And हमारी prediction. चौधरी वजाहत. देखिए मैंने इस दफा notes बनाए हुए हैं. चौधरी वजाहत. मैं ये पूछ लगा था कि आपने पर्ची नवाज शरीफ की तरह. मैंने पर्ची नहीं मैं नाम भूल जाती हूँ. अच्छा. मैं एक्चुअली नाम भूल जाती हूँ तो इस दफा मैंने सोचा मैं जब लिख रही होंगी ना तो मैं कम अज कम नाम लिख लूँ ताकि मैं भूलू नहीं सो पावर प्ले बिटवीन चौधरी वजाहत एंड मलिक मुर्तजा मलिक मुर्तजा देखिए नाम याद आ गया ठीक है दूसरी चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दिस एपिसोड रेज्ड वाज व्हाट मेक्स अ वुमन बदकिरदार बिकॉज गहरा सवाल है क्योंकि जब हाजरा इज इन हॉस्पिटल और उसकी माँ आके उस पर टूट पड़ती है कि तुमने नाक कटवा दी अब क्या बेसिक उसका क्या है कि तुम्हारा रिश्ता नहीं आएगा इट्स नॉट कि तुमने किया क्या है गलत किया ऐसे किया इसके तुम्हारा तुमसे शादी कौन करेगा अब तुमने नाक कटवा दी है एंड तो वो बाप को पूछती है बाद में कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ आपको भी लगता है कि मैं बदकिरदार हूँ आपको भी लगता है कि मैं बदकिरदार हूँ तो व्हाट मेक्स अ वुमन बदकिरदार आई मीन शी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग शी दिस बॉय वाज परस्यूइंग हर इन कॉलेज शी लाइक्ड हिम एंड शी थॉट दे वुड गेट मैरिड वो तो निकला ऐसा एंड देन दिस अदर बॉय लाइक्ड हर एंड परस्यूड हर एंड दे गॉट एंगेज्ड तो बदकिरदार वो कैसे हो गई
It's not like she's having an affair with anybody or, you know. So, ये बड़ा important सवाल है कि हम कितनी जल्दी कह देते हैं कि, you know, नाक कटवा दी बेटी ने या शादी कौन करेगा. But उसकी basis पे क्या है? अच्छा, इस sequence में मैंने एक चीज़ notice की, जब ये पूरा इतना heavy duty scene चल रहा था, तो पीछे एक nurse बड़े nonchalantly बैठी हुई होती है अपने table के ऊपर और वो देख रही होती है कि ये हो क्या रहा है. हाँ, तो वो मुझे funny लगा कि वो उनके इतनी serious conversation हो रही है, वो गले दबा रही है और वो nurse nonchalantly पीछे बैठी हुई है. So I think a lot of, but overall I think Inkaar is a fantastic drama. The dynamic is very complicated and I like that, कि इतना simple नहीं है. मजा भी आता ना जब थोड़ा डायनामिक हो, रिलेशनशिप्स डायनामिक हो, हर एपिसोड में एक नई चीज हो रही है. ऐसा नहीं है कि बिस्किट पे इश्क हो जाए उस पे आते हैं. बट मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि ये चीज ड्रैग हो रही है चीख की तरह. जो चीख को तो उन्होंने लटका ही दिया और लमका ही दिया है. पूरा एक एपिसोड आपने सिर्फ इस चीज पे कर दिया है कि मन्नत जाएगी कोर्ट या नहीं, या उसको थ्रेटन कर रहे हैं. मेरे ख्याल है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली प्लेस का ये ट्रेंड बन गया है कि 12, 13, 14 एपिसोड तक द स्टोरी इज़ ग्रेट, इट इंगेजेस यू, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही होती है, स्टोरी प्रोग्रेस कर रही होती है. समवेयर इन द 15th, 16th एपिसोड डायरेक्टर राइटर सोचता है, अच्छा अब ये रेटिंग आ रही है, कैसे इसको खींचो. दैट इज द सेम थिंग एज द कर्स ऑफ द सेकंड हाफ, जो फिल्मों में होता है. कर्स ऑफ द सेकंड हाफ, कैसे खींचो उसको. चीख हैज एब्सोल्युटली लॉस्ट ऑल reason, plot. I mean, बिल्कुल ये एक बेकार episode था. चीख इनकार का opposite है कि it started out great और अब वो downhill जा रहा है. और इनकार हमें शुरू में इतना अगर entice नहीं किया और अब वो ऊपर हो जाए. मगर अभी भी वो इतने episode तक नहीं पहुंचा. हाँ, तो 15 ऐसा ना हो. 15 के बाद एक dip आता है. But चीख में हम ना एक जो बड़ा interesting moment था, that is when यावर calls up शावार. जी. And Shahwar bajaye ye kehne ke acha ji sartaaj main aa rahi hu wapas, he actually gives it back to him aur phone rakh ke kehta hai yaar pagal hai, main isko phone kiya hai kyun. To wo I think was a very good scene. To wo talaq dene pe wo shayad maaf kar deti, but the lie that he's lived with all his life. Nahi, but usne uska ye dialogue mujhe pasand aaya ki koi biwi agar 3 baar ab talaq sunne ke baad bhi apne husband ke paas wapas jati hai to fir wo apni izzat hi nilam kar dena sab. Ha bilkul, that's true. तो आई थिंक दैट्स अगेन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सबा कमर की एक्टिंग की हम हमेशा कहते हैं उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरी चीज़ का पर्पस क्या है. पर्पस अगर कोई सर्व हो रहा होता आई फील दैट तो ज़्यादा अच्छा होता. सबा हैज बीन शॉर्ट चेंज्ड अ बिट बिकॉज एक्टर वो बहुत ज़बरदस्त हैं, मगर आखिर में उनके साथ होने क्या वाला है. मेरी एक कज़न है मेरी जिनसे मैं अक्सर ही बात करती हूँ, सिंगापुर में रहती हैं, और उनको मैंने कहा कि उनने कहा कि यार ये पागल खाने चली जाएगी. तो उन्होंने कहा अगर ये गई तो मैं तुम्हें चपेट मार दूंगी. मेरा भी यही फीलिंग है कि मेरा आई विल फील वेरी वायलेंट इफ शी इज सेंट टू द पागल खाना, बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ अ रैप अप इज दैट. No, but I don't think the drama will end at that. You think drama will end like that? I think it's ending. That Vaji will get away and Mannat will... No, I don't think that'll happen. It has to be the concluding episodes now. Because मुझे लगता है कि चीख की टाइमिंग पे रिप्लेस हो रहा है सुरख चांदनी, और रांझा रांझा कर्दी के टाइमिंग पे रिप्लेस हो आ रहा है, मतलब इश्क ज़हन. देखिए रांझा रांझा कर्दी तो डेफिनेटली सैटरडे को फाइनल एपिसोड है, लास्ट एपिसोड टुमारो. बट चीख का मेरा नहीं ख्याल कि अभी फाइनल एपिसोड है. चीख के तीन चार एपिसोड्स हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में पागल खाने जाके वो निकल भी आएंगी. और वो हमारे जो बड़े ईगल आइड व्यूअर्स हैं, कमेंटर्स हैं, वो हमें बता देंगे अभी कमेंट्स में. बताइए अगर हमें कि अब क्या होने वाला है, उनको पता तो होता है सारे ड्रामे का. Why send her to the pagalkhana anyway? So they're just stretching the torture and extending the all that trauma, and it's a bit too much now. Especially इस एपिसोड में भी एक सीन था where वो नायाब भी है ना, वजी की बहन. जी, नायाब के पास वो शारिक आ जाता है और ग्लास फोड़ता है. नायाब तो मर गई हसन पहले एपिसोड में. हया के पास वो आ जाता शारिक और वो ग्लास तोड़ता है. वो क्या सीन था? वो फ्लैशबैक, मतलब वो क्या था, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों आया. बहुत बुरा था. सो इस तरह की चीजें हो रही है कि जो कि नहीं होनी चाहिए. तो हम मुझे बताएं कि और क्या चीजें हो रही हैं अना की दुनिया में जो कि होनी चाहिए या नहीं. अना भी कोई बहुत ही रैंडम हो गया है, कंप्लीटली रैंडम. द कैरेक्टर्स हैव बिकम कंप्लीटली रैंडम. आनिया जो है सडनली फ्रॉम अ टिमिड शाय पर्सन सडनली उसमें कहीं से हिम्मत आ गई है. शी इज डिफेंडिंग हर हस्बैंड एंड द हस्बैंड हैज स्टार्टेड टू लाइक हर. जो लाइक हर, बट ही इज ऑल्सो सीक्रेटली मीटिंग दानीन ऑन द साइड.
और उसको जब ये शक हो रहा है कि दानीन का जो हस्बैंड है सैफ वो उस पर शायद फिजिकल अब्यूज़ कर रहा है या मैन हैंडल्स है वट एवर, तो वो कह रहा है कि तुम जो हो ना मैं तुम्हारे लिए होटल का बंदोबस्त भी कर रहा हूँ, तो तुम हम शादी कर लेंगे, मैं तुमसे अच्छा। शादी कर लूँगा। तो मुझे बताएं कि शरिया लॉ में ऐसी कौन सी तलाक है जो हो के दो दिन में होटल में अगर उसको ठहरा के वो निकाह भी कर लेगा, तो ये अजीब एक रैंडम सी बात हो रही है। अच्छा, जो क्यूट मीट्स हम शुरू से इन्जॉय कर रहे हैं बिटवीन इज़्ज़ा एंड अल्तमश, वो आप प्रोमो में दिखाते हैं कि वो बैठ के कह रही कि ये दुनिया के आखिरी मर्द भी होंगे तो मैं इनसे कभी शादी नहीं करूँगी। ये कैसे हुआ ट्रांजिशन भाई? तुम मतलब तुम्हें मसला क्या है? मुझे तुम्हें कि तुम्हें मसला क्या है, तुम क्यों फिर उसको बार बार फोन कर रही हो कि आइंदा आप मुझे फोन नहीं मुझे ये बताएं आपको मसला क्या है कि आप अब तक ये ड्रामा देख रही हैं? अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। और अभी आप देखेंगी इसको? I don't know, I really lost interest in it now. I'd like to ask you guys, can I not watch it now? Because I mean, please आमना को उनकी मिजरी से निकाल दें। I don't want to उनको watch it ये अलाउ करें कि वो अना देखना बंद करें अब, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आमना के अलावा ठीक नहीं है। I mean, अब अल्तमश जो है वो randomly नशवा को डेट पे ले गया है और वो कहता है कि मैं तो आपसे शादी नहीं करना चाहता, तो वो कहती है मैं भी नहीं आपसे करना चाहती। तो फिर डेट पे तो फिर वो कहते हैं आप फिर आए क्यों हैं? कहते हैं तो फिर हम माँ बाप को बता देंगे कि वी मेट एंड वी डिडंट लाइक ईच अदर। इसका ये पर्पस था। जो वो है आनिया, वो रैंडमली कहीं तावीज़ लेने चली गई है कि अब मेरे मियाँ पे, आई एम अज्यूमिंग के मियाँ को कंट्रोल में करने। इट्स जस्ट रियली रैंडम, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। और अब वो जो है ना द ब्यूटी ऑफ द एम्बियंस एंड द बैकड्रॉप एंड शेर गढ़ एंड शेर नगर एंड व्हिच इज गिलगित एंड हुंजा एंड स्कर्दू एंड ऑल दैट इज बॉर्न ऑफ नाउ। चले तो मेरे ख्याल में गाइस पुट मी आउट ऑफ माय मिजरी, टेल मी दैट आई डोंट नीड टू वॉच इट एनीमोर। वी शुड आल्सो swiftly move to I promise I'll watch Ishq Zahe Naseeb and I'll watch Surkh Chandni, which Ishq Zahe Naseeb looks excellent. Oh, by the way, and phenomenal. Surkh Chandni as well, dono ke jo teasers aaye hain humne dekhe hain. I don't know how they're going to handle this extremely complicated theme, magar both plays right, both plays wo udhar bhi acid attack survivor wali cheez hai. Aur main ye kahunga ki teaser se wo saron ki performances badi top notch lag rahi hain sabki. So Ishq Zahe Naseeb, pehli baat ye ki Sonia Hussain is, I really like her and I'm looking forward to seeing her in a play again. Aur Zahid Ahmed jo hain unhone jo kirdar ada wo kar rahe hain, which we're seeing and we're reading about, is a man with an alter ego. Aur Yumna Zaini, which is Yumna is which is exactly, she's the alter ego and he's a cross dresser and he's an influential rich man who Sonia is married to. So how it's going to play out, it's a really really complicated uska subject. Aur uska background score bada mazey ka lag raha hai, bahut acha lag raha hai, bahut acha hai. So that will be, I promise guys I'll watch that. Mujhe me too me too and Surkh Chandni, Surkh Chandni again, top notch performance. You know, credit to Asma Nabeel, who's I think one of the strongest writers there are today, because and also to the producers, I believe Sana and Samina Bhabhi, who produced these dramas, unhone is tarah ke kafi, yeah absolutely, no but I'm saying Asma because maine unki post padhi ki unhone 2 saal bahut research kiya ji and she hung out with acid burn survivors, they don't call themselves victims anymore, aur bahut research kiya, unki stories jani, phir unhone ye likha. And again like Sonia Hussain, Sohail is one of my ultimately favorite actors because after Motorcycle Girl उन्होंने साबित किया विद JPNA एंड मोटरसाइकिल गर्ल कि उनकी रेंज क्या है जी। आई मीन वो डांस भी करती हैं LSA के स्टेज पे तो ज़बरदस्त होता है, वो कॉमेडी भी कर रही हैं ज़बरदस्त, वो शी इज़ प्लेइंग अ पावरफुल वुमन, दैट्स ऑल्सो ग्रेट. एंड हियर शी इज़ प्लेइंग अ, एंड शी सेड दिस इन हर इंटरव्यू विद अस, इट इज़ अ एसिड अटैक सर्वाइवर. And they've also got the look right. And Sana, the producer, told me कि उन्होंने उसपे भी बड़ा time लगाया to get the right makeup look, you know, to show the burns. और इस तरह से जिस तरह से उन्हें दिखाएं और वो scene जब वो actually आके करते हैं, you can hear the and you can even see the smoke. Quite traumatic. So and the way society treats acid burn survivors, victims. All of that, it will be dark. I feel it will be. लेकिन teaser से performances सबकी बड़ी performances अच्छी हैं. मंशा पाशा की, हसन अहमद की, बिल्कुल. You know, of course उस्मान and सुहाए, बिल्कुल. तो ये दोनों drama तो definitely हमारी list पे already आ गए. आ गए हैं. तो मेरे ख्याल है कि रांझा रांझा कर दी, चीख, अना,
तो जो ड्रामा खत्म होने जा रहा है इस हफ्ते रांझा रांझा कर्दी सैटरडे को लास्ट एपिसोड आ रहा है, हमने एक चीज जो शायद हमें पिछले हफ्ते डिस्कस करनी चाहिए थी, हम ऑफ कैमरा तो डिस्कस कर चुके हैं, ऑन कैमरा भी कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगा कि हमने इतना टाइम दिया इस टॉपिक के ऊपर और इकरा ने खुद भी बात की जो सेक्सुअल असॉल्ट या रेप वाला सीक्वेंस था भोला ने ज्यादती की नूरी नूरबानो के साथ, नूरबानो एंड्स अप गोइंग बैक टू भोला, हाउ डू यू सी दैट डायनामिक? आई पर्सनली थिंक कि यू नो देयर कुड हैव बीन अ बेटर वे टू हैंडल दिस सिचुएशन, कि वो एक तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया नूरी के कैरेक्टर को कि शी गेट्स ओके विद this and like you know takes a 180 degree turn and goes back to a person who raped her. तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई. And plus you know Ikra herself had raised her voice and said कि यार कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था. तो all of a sudden अब you know this happens. देखिए इसमें जो मेरी understanding है हसन, it's a very serious subject. और ये तो हमने establish किया था कि marital rape तो address हुआ है in the play, right? Story में marital rape तो होता है. मगर इंटेंशन या नियत जो आदमी की है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. भोला वॉज अंडर मेडिकेशन, सो दैट ही हैज़ टू बी गिवन डिस्काउंट फॉर दैट फैक्ट. इट्स नॉट दैट ही इज़ एन ईविल कैरेक्टर और ही इज़ अ रिकरिंग रेपिस्ट और एन अब्यूज़र और एन ऑफेंडर. ही वॉज अंडर मेडिकेशन. आई डिसएग्री विद यू ऑन दैट. एक सेकेंड मैं बात पूरी कर लूँ. ही वॉज अंडर मेडिकेशन पहली बात. दूसरी चीज़ ये है कि अल्टीमेटली उनका निकाह हुआ हुआ है. If she feels marital rape, she has a right to walk out of the marriage, which she chooses not to. She wants to stay in the marriage. Now, whatever is happening between a man and his wife, मियाँ बीवी के बीच में जो हो रहा है, माफ़ी की बहुत बड़ी आपका religion आपको देता है. कत्ल आप माफ़ कर सकते हैं. Parents can, you know, they can forgive a murderer. So, अगर वो भोला को माफ़ कर देती है, then she is no longer a victim then. You cannot say कि हाँ हाँ इसने माफ़ क्यों किया. That is completely her choice. If she chooses to remain in the marriage and she chooses to forgive him, that is her choice and nobody else has a right to interfere in that. जो medication वाली बात थी, it was a repeated offence. एक बार तो चले medication. पहली बार था ना medication. नहीं. This was repeated. Medication उसकी काफ़ी देर चलती है. ठीक है, बट इस तरह नहीं था कि वो बिल्कुल ही अपने होशोहवास में नहीं था और उसने ये कदम उठाया. ठीक है, सेकंड और थर्ड टाइम ही वाज क्वाइट इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि उसको पता है कि वो क्या करने जा रहा है और क्यों करने जा रहा है. ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी. दूसरी चीज़ जो बात है कि ऑफकोर्स माफ़ी की होनी चाहिए है, बट उन्होंने इस कैरेक्टर की उतनी डेवलपमेंट दिखाई नहीं है कि वो उस पॉइंट पे पहुंचे जहां पे वो माफ कर रही है. ऑफ कोर्स हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, आपसे ही कह रही हूं. मुझे लगा कि दिखाई है, बट एक एपिसोड के एंड में नहीं. वो क्या चीज, वो ये चीज थी कि सायर ने जब उसको ये बोला कि भाई मैंने चोरी की थी, तो इतनी सी चीज पे उसने इतना बड़ा ऑफेंस माफ कर दिया. इतनी सी चीज नहीं थी हसन, दैट्स हर एंटायर लाइफ. बट आई एम नॉट, ऑन द अदर हैंड इट्स रेप. रेप से बड़ी क्या चीज हो सकती है? अगेन इट इज हाउ द वुमन फील्स अबाउट इट, दैट दिस इज व्हाट वी से अबाउट हैरेसमेंट. Somebody could speak to a woman in a way that she doesn't feel harassed. कोई और आके वही बात कहे उस औरत को और वो harassed feel करे. So it is about her feeling. That's where consent comes in. If she's okay with it and she chooses to be in the marriage. No, but she wasn't okay with it. But then, she is now. So आप कौन होते हैं कहने वाले कि वो क्यों okay है? You see, that's the thing. Who are you to say that why is she okay with it? She's okay with it, and many women are okay with it. The minute they're not okay, they need to act on it. Leave the marriage or complain or whatever. She wanted to leave the marriage. But she didn't. Yeah, why? But she didn't. Why? Why? Because she, whatever she wanted she's to, getting she in wanted the marriage. To leave the, she wanted to leave the marriage because she was being sexually assaulted, right? And she was being raped. Yes. Because usse pehle she was okay. When that happened, she decided she wanted to leave the marriage. Not just that, but Sahir also made a comeback into her life. So she found that window of escape. It's not that she may not have left otherwise even. उसको जब साहिर ने सब्ज बाग दिखाए कि हमारी जिंदगी इकट्ठे है etc. then she decided to move out. But when she realized कि the grass is not greener on the other side, वो आदमी जो है वो जो अब्यूज़ करेगा उसको, वो शायद भोला की अब्यूज़ से वर्स हो, इमोशनल अब्यूज़ हो या जिस तरह उसने मैनिपुलेट किया उसको पूरी ज़िंदगी. सो शी डिसाइड्स टू फॉरगिव भोला. And she says कि मैंने protect करना है, बल्कि she says this कि मेरे दो मकसद हैं ज़िंदगी में, अपने बच्चे को और उसके बाप का तहफ़्फ़ुज़ करना.
तो एक औरत जो अपने आप को समझ रही है कि मैं अब्यूज़ हो रही हूँ, वो ये बातें नहीं करती. सो शी इज़ नो लॉन्गर फीलिंग अब्यूज्ड. इट्स अ फीलिंग. सो यू हैव नो राइट और आई हैव नो राइट टू से दैट ओ शी वॉज रेप्ड इन हर मैरिज एंड हाउ डेयर शी फॉरगिव हिम एंड लिव विद हिम. दैट्स हर एंटायरली हर फीलिंग. दैट्स द वे आई सी इट. Okay, well, I think that there could have been other ways where this could have been handled. Probably, शायद उनको ये चीज़ फिर writers को डालनी ना डालते sexual assault वाली या rape वाली चीज़ को इतने ज़रूरी तो नहीं था. There must have been, there could have been other ways के वो बच्चा conceive हो जाता. मतलब ज़रूरी नहीं था कि आप. Really, Hasan, I would like to know the other ways के. Okay, मतलब rape की जगह consensual भी हो सकता था ना. Why did they have to show it as rape? Is what I'm trying to say. What has that achieved? They showed it as violence this first time. What has that achieved? That's true. That's for true. For Bhola's character. So that is a flaw in the writing. मतलब या तो अगर आपने भोला को negative light में दिखाना होता तो आप ये दिखाते तो चले समझ में आता. That I agree with. It was unnecessary. Could have been any other way they could have showed that. That I agree. Because it has changed the focus and shifted it to something which is, you know, not that important compared to how brilliant the story is. How brilliant the performances are. It was an unnecessary twist. But apart from that, otherwise, of course, performances top notch. But मेरा एक और problem है Ranjha Ranjha के साथ. Again with the writing. Problem ये है Hasan कि हमारे plays में हर चीज का जो wrap up conclusion है वो आखरी episode में क्यों घुसा देते हैं? There is not an eventual conclusion. ऐसा नहीं है कि एक दो चीजें एक एपिसोड में वो क्लियर अप कर दे. नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स में भी तो ब्रांड को आप धमाका धमाका. अरे गेम ऑफ थ्रोन्स में भी आप डैनी को एंड में ही मारते हैं, फिर ब्रांड को उधर बिठाते हैं. क्या हो गया यार? नाइट्स किंग्स एपिसोड 3 में मरता है, एक कंक्लूजन एपिसोड 2 में हो रही है, एक 1 में हो रही है. हर एपिसोड में एक चीज कंक्लूड हो रही थी. Every episode had one thing ending. नहीं तो रांझा रांझा में conclusion ही है क्या ना? और क्या conclusion? नहीं जी, conclusion कैसे है? मतलब नुसरत चाचा की जो story है उन intertwined है ना सब कुछ. आप देखें everything intertwined. तो Game of Thrones भी थी हर चीज. Everything is reaching a crescendo. मतलब है कि maximum जैसे आप elastic खींच रहे हैं ना, हर character अपने wits end पे है अब. साहिर जो है उसकी frustration बिल्कुल end तक पहुँच गई है, नुसरत चाचा की end तक पहुँच गई है. हर बंदा जो है वो maximize हो रहा है और एंड में कंक्लूजन हो जाएगा. इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली आई थिंक फॉर द व्यूअर. बट आखिरी एपिसोड फिर इससे इंडिकेशन ही है ना कि बड़ा हैवी ड्यूटी होगा. बॉम्ब होगा, फिर बॉम्ब होगा जो फटेगा. प्ले तो अच्छा था वैसे. प्ले डेफिनेटली बहुत अच्छा है और अभी तक मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा जो नुसरत चाचा और नूर बानो की इंटरेक्शन. मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि अगले साल पूरे रिव्यू अवार्ड्स रांझा रांझा लेके जाएगा, बट ज़ायद अहमद will be giving Imran Ashraf a run for his money. Apparently Zayed Ahmed ne Facebook ya apne social media pe kahin pe ye mention bhi kiya, unhone Imran ko credit bhi diya hai ki kaise unhone character acting ka darwaza khola hai baaki actors ke liye. Even Yamuna is a character actor. Yeah. Yamuna is a character actor. Zayed ki performance hai, aage Sohai ki hai, so matlab performance is so bahut strong aane wali hai. Aage Alif bhi aana hai, bhule na. Haan ji, Alif bhi aana hai. But Imran, मुझे लगता है कि उनको मिलने चाहिए अवार्ड. I feel that Zahid will give him a tough. Let's see, देखते हैं. Let's see. देखते हैं क्या होता है. बिल्कुल. But otherwise a strong episode, second last episode जो रांझा रांझा कर्दी का था. मैं कह रहा था नुसरत चाचा और नूर बानो की इंटरेक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी. Except for the fact कि एक पॉइंट में यू कैन विजिबली सी इकरा स्टेपिंग डाउन ऑफ समथिंग. When she's really communicating with Nusra Chacha. Yeah, you think when Nusra Chacha sits down, achha. So Ikra steps off something. Which unka kamra leveled hai. Kamra to obviously leveled honga na. So jab wo sequences ho rahe the unke. You know, we talk about production qualities and production values. तो again, Hasan, आपकी छोटी बातें, छोटी-छोटी बातों पे तंज आने की आदत नहीं गई. मैंने नहीं, मैं तो आपको पता है कि मैं सच का साथ देता हूँ. मैं आपको बता रही हूँ कुछ चीजें. बट ये सीक्वेंस, ये शॉट उस पॉइंट से भी आ सकता था जहाँ पे इकरा स्टेप डाउन कर चुकी हैं. जरूरी नहीं था कि वो उनको कैमरे पे. कोई भी छोटी बात. बट ठीक है, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइनल एपिसोड. सो दिस वाज अ वेरी वेरी हैवी वीक. वी हैव अनदर वेरी वेरी. बट वी आर लेफ्ट विद सोनो चंदा 2. राइट, अभी आपने तो जी कैसा लगा आपको कैसा लगा बताएं. Unfortunately, Hasan, मैं सुना चंदा नहीं देख सकी मैं, इसलिए I have no opinion on it. मेरा सिर्फ एक opinion है जो मैंने कल tweet भी किया था. I have no problem with the humor, with the comedy, with the production value भी चले अगर लोगों को पसंद है, वो माफ़ करने को तैयार हैं. मेरा issue सिर्फ product placing से है. वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है that it is setting a really bad example for how plays should be made in Pakistan.
मतलब इतनी प्रोडक्ट प्लेसिंग ना करें यार कि वो कास्ट, वो सपोर्टिंग कास्ट बन जाए, बिस्किट और टेलीफोन और लॉन का जोड़ा और फ्राइड फूड और मतलब इट वाज वेरी, ऑल दिस वाज वेरी डिस्टेस्टफुल. इसके अलावा मैंने नहीं देखा, आप बताएं आपको कैसा लगा. आमना, आई थिंक ये तो आप भी एग्री करेंगी और हमारे व्यूअर्स जो हमें बहुत गालियाँ देते हैं वो भी एग्री करेंगे कि सुनो चंदा इज़ प्राइमरली अबाउट अर्सल एंड जिया. राइट, आप ये ऐसा फील करते हैं प्राइमरली तो okay. सुनो चंदा सीजन वन वॉज अबाउट सुनो चंदा. चंदा कौन है? जिया है ना, और right. अर्सल कह रहे हैं सुनो चंदा. राइट right. तो ये तो मानते हैं ना हम लोग. सीजन टू के इस पॉइंट पे अब इट्स बिकम लेस अबाउट अर्सल एंड जिया एंड मोर अबाउट मिट्ठू एंड मैना एंड जलाल फुफा trying to get away with the property. So, ye transition, sari cheeze bhul jaye aap. Let's not talk about production values at all this week. Let's not talk about this. Purely in terms of story, I don't like this progression. Mere liye jo Arsal aur Jia ke cute moments hain aapas mein, jo bhi unki ladai jhagde hain ya sulah hai, pyar mohabbat hai, that is the main part or that is the main attraction. Agar aapko to maina pasand thi. Maina pasand hai, abhi bhi hai. But the main, the focus can't be Maina and Mithu. Maina and Mithu ke liye aap spin-off bana lein ek alag se. Suno Maina. Ya Maina and Mithu ki jodi. Is tarah karke kuch aap kar lein. Ya jaise Barat series thi, to har season mein ek naya couple tha. Aap wo kar lein. But you know, pichle season mein you had Sherry and Kinza as well. But unhone overshadow nahi kiya Arsal aur Jia ko. Maina and Mithu sort of overshadow kar rahe hain. Okay. उनका रोमांस अच्छा है, बुरा नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा कि उनके सीन्स देखने में मज़ा नहीं आता. बहुत क्यूट हैं दोनों की परफॉर्मेंसेज भी बड़ी अच्छी हैं. इनफैक्ट मुझे मिट्ठू का वो दोनों को मिलाना अर्सल और जिया को, यू नो मिट्ठू टिफ़िन लेके जाता है, जिया उसको कहती है खाना अर्सल के पास लंच ले जाओ, अर्सल खाना खाता नहीं है, बट मिट्ठू आगे ये नहीं बताता जिया को कि अर्सल ने नहीं खाया, वो कहता है खा लिया. इवन दो उसका अपना डेटिंग सीन चल रहा है जो मैना के साथ वो दोनों खा जाते हैं, बट जिया को भी वो आके अर्सल की तारीफें करता है, अर्सल को जाके जिया की तारीफें करता है, तो दैट इज ऑल रियली क्यूट. बट अगेन द फोकस नाउ सीम्स टू बी ऑन मैना एंड मिट्ठू, व्हिच आई पर्सनली डोंट फाइंड दैट प्लीजिंग. आई मीन दैट्स जस्ट माय ओपिनियन, आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक अबाउट दैट. अदर देन दैट ऑफ कोर्स आई मीन वही चीजें हैं. हाँ, तो आपने बिल्कुल नहीं देखा फिर सुनो चंदा? कुछ तो आपने स्निपेट्स, बस जरा जरा से मैंने देखे. एक एपिसोड मैंने देखा जिस पे वो बिस्किट पे रोमांस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. मुझे लगा जब मैं लगाती हूँ कोई प्रोडक्ट होता है आगे, तो आई अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट. आई मीन और एक चीज और भी है कि जोजी का कैरेक्टर बड़ा एंजॉय कर रहे थे, उनको वापस भेज दिया है, वो नहीं वापस आए, वो अभी तक वो वापस नहीं आए. अच्छा, यू नो ओरिजिनल जो सीजन वन की जो कास्ट थी या ओरिजिनल जो कैरेक्टर्स थे बहुत मज़े के थे. अगेन मैंने और मिट्ठू की स्टोरी बड़े मज़े की है, बट उसके लिए मेरे ख्याल में मेकर्स को चाहिए कि एक सीजन थ्री निकाल लें मैंने. और एंड यू नो वी वांट मोर ऑफ अर्सल एंड जिया, एटलीस्ट आई डू. राइट राइट, ठीक है जी. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? I think we've said a lot this week and we've discussed you're also, a lot. You also, I believe, recording a lot of videos on the weekend. I am. Any names you'd like to disclose? I don't want to, subscriber count I don't want to jinx it. Ek-ek aati jayengi videos, so pata chalta jayega. As you know, I'm traveling next month. So, main sochti hoon ke humare jo viewers hain, unke liye bahut sara content karke main rakh ke jaun, taki unko lage na ke hum kahe hain. Lo ji, hum aapko naam nahi bata rahe, lekin बिलीव में बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म की वीडियोस आपके पास आने वाली हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट कर लें ताकि आपको उन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए. और हम विल बी बैक नेक्स्ट वीक होपफुली इंशाल्लाह ईद के बाद विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वीकेंड रिव्यू. रांझा रांझा कर दी खत्म होने वाला है, तो अगले हफ्ते उसके बारे में बात करेंगे और वर्ल्ड कप देखना शुरू कर दें. अब वर्ल्ड कप देखना शुरू कर दें. ठीक है, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक. खुदा हाफिज़.